हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कल हम लोग चर्चा किए थे डीएनए के संबंध में और ट्रांसक्रिप्शन के संबंध में कुछ बातें, और जो रिमेनिंग पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन उसकी चर्चा आज हम लोग करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को 7 पार्ट में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। पहला है एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, तीसरा बेस पेयरिंग, और चौथा इलोंगेशन ऑफ चेन, और पांचवा सेपरेशन ऑफ आरएनए, और छठा स्टेबलाइजेशन ऑफ डीएनए डुप्लेक्स, और सातवां पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग या प्रोसेस। तो जैसे ही सिग्नल मिलता है ट्रांसक्रिप्शन का, वो शुरू होता है, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया जो है सेल साइकिल के G1 और G2 फेज में होता है। तो इसमें पहला हम देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियस में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और साइट्स काफ़ी मात्रा में मौजूद होते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं। और इसका ट्रांसक्रिप्शन के पहले इसका एक्टिवेशन होता है, यानी क्या होता है कि ये इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में। जैसा कि उसने बताए थे, उसमें जो पेंटोज शुगर होते हैं डीऑक्सीराइबोज होते हैं डीएनए में, और आरएनए में राइबोज शुगर पेंटोज शुगर होते हैं। तो इस यहाँ पे उसने जिसे बताए थे, यहाँ अंतर सिर्फ ये है कि डीएनए में होते हैं थायमिन नाइट्रोजनस बेस, उसकी जगह पर इसमें होते हैं यूरेसिल। तो यहाँ पे क्या है कि यूरिडीन, यू से यूरिडीन, एम से मोनो, पी से फॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट 2 मोलिकुल्स जो फॉस्फेट होते हैं उससे मिलते हैं और बना लेते हैं यूटीपी, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से ये हुआ एडीनिन, ये मोनोफॉस्फेट, और ये बदल देता है एडीनिन ट्राइप्रोफॉस्फेट। इसीलिए ये साइटिडीन है, सी से साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, फॉस्फोराइलेशन के बाद ये बदल जाते हैं साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट में, और ये है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये बदल जाते हैं गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया, यानी कि एक्टिव फॉर्म में ये बदल गया। तो अब जो है, जैसा कि बताए, दूसरा फेज जो है आपका अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। तो ये डीएनए स्ट्रैंड है, आप देख रहे हैं ये 3' और ये 5' स्ट्रैंड है, अपोजिट इसके पोलरिटी होते हैं। जैसा कि बताया कि इंटायर डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन एक बार नहीं होता है, ये जो पार्ट भाग लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होते हैं, प्रोमोटर होते हैं और स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, टर्मिनेटर होते हैं। और प्रोमोटर जो होते हैं उसके कल बताए थे कि वो क्या करते हैं, अप स्ट्रीम जो शुरू के ये क्या करते हैं, ये था ये 3' और ये 5', और दूसरा एक स्ट्रीम जो है ये क्या करते हैं था आपका ये 5' और ये 3 अपोजिट स्ट्रीम, और यहाँ पे ये शुरू करते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम पर था ये प्रोमोटर और ये डाउन स्ट्रीम पे था टर्मिनेटर, तो टर्मिनेट करते हैं डीएनए को। तो ये क्या किसके अप स्ट्रीम, जो ये इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रीम जो भाग नहीं लेता है ट्रांसक्रिप्शन में, और इसको कहते हैं टेम्पलेट या मास्टर स्ट्रीम। तो ये अप स्ट्रीम जो है ये आपको प्रोमोटर ये क्या कहते हैं कोडिंग स्ट्रीम के 5' पे, और तो ये मास्टर स्ट्रैंड के 3' पे लोकेटेड होते हैं, और टर्मिनेटर जो है ये कोडिंग स्ट्रैंड के 3' पे, ये डाउन स्ट्रीम पे, और ये टेम्पलेट के 5' स्ट्रीम पे लोकेटेड होते हैं। और प्रोमोटर में क्या होते हैं
एक आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्निशन साइट और बाइंडिंग साइट होते हैं। तो जहां शुरुआत होती है, यहां पर देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, यहां पे इसमें एक सिग्मा फैक्टर होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर होते हैं जो इनिशिएट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, और जैसे ही शुरू होती है ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ये सिग्मा फैक्टर अलग हो जाते हैं। तो पहले इसका क्या होता है, अनवाइंडिंग होता है, मतलब दोनों स्टेप अलग होते हैं, जिस पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन होना है इसे इस पार्ट कहना चाहिए, बाइंड जो बॉन्ड है यहाँ पे ये अलग हो जाएंगे, और वो होता है किसके द्वारा, अनवाइंडेड एंजाइम के द्वारा अनवाइंडिंग ये होता है, और उसमें फिर क्या करते हैं, उसका एक ही स्ट्रेंथ ट्रांसक्रिप्शन भाग लेता है, जिसको कहते हैं मास्टर स्ट्रेंथ या टेम्पलेट स्ट्रेंथ, दूसरा जो भाग नहीं लेता उसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रेंथ। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे डायग्राम की सहायता से, अब हम लोग देखते हैं एक्टिवेशन, हम लोग देख लिए, अब अनवाइंडिंग मतलब डीएनए के स्ट्रैंड का अनवाइंड होना, अनजिप होना, दोनों स्ट्रैंड का खोलना। तो जैसा कि आपको बताया कि वही पार्ट का अनवाइंडिंग होगा जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, जो पार्ट डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा। तो जैसे माने यहाँ पर ये पहले शुरू जिस जिसमें होगा वो अनवाइंड हो जाए, जैसे यहाँ पर देखिए दो ये था जुड़ा हुआ इस तरह से, ये दोनों खुल करके ऐसा हो गया, इस पार्ट में अनवाइंडिंग होगा। तो क्या हुआ, अनवाइंडिंग मतलब हुआ कि सेपरेशन ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, तो अनवाइंडिंग या अनजिपिंग अकर ड्यू टू एंजाइम अनवाइंडेड, और इसमें भी SSBP सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करते हैं उसके स्टेबलाइज करते ताकि उस पर आरएनए का सिंथेसिस हो पाए, और फिर दूसरे एंजाइम लगते हैं जो उसके कॉइल रिटेंशन है उसको रिलीज करते हैं, जैसा कि उसमें चर्चा किए थे टोको आइसोमेरेज। तो यहाँ पर देखिए ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ये खुलते जाएगा, फिर इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ये बंद होगा, फिर ये होगा, फिर इस तरह से होगा। यहाँ पर देखिए जैसे ही ये शुरू होता है, यहाँ प्रोमोटर होते हैं, उसमें क्या होते हैं इनिशिएशन फैक्टर या सिग्मा फैक्टर होते हैं, प्रोमोटर में क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्निशन साइट और बाइंडिंग साइट होते हैं, तो ये उससे जुड़ते हैं। जैसे शुरुआत होता है सिग्मा फैक्टर जो है ये सिग्मा फैक्टर ये अलग हो जाते हैं, और ये प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। तो ये आपका क्या करते हैं अनवाइंडिंग हो गया, और तब क्या होता है बेस पेयरिंग, यानी कि जब अनवाइंड हो जाता है तो उसके इस स्ट्रैंड पर इधर से क्या होता है यहाँ पे ये क्या कहते हैं आरएनए का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है आपको जो जिसे पता है कि नेकलेस जो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं आते हैं, जो सेपरेटेड स्ट्रैंड डीएनए का है किसके सामने आते हैं कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कम टू लाई अगेंस्ट कोरस्पोंडिंग नाइट्रोजनस बेस, जैसे कि उसमें यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट था, ये किसके सामने आएगा एडिनिन के सामने आएगा ये, और फिर ये क्या कहते हैं एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये किसके सामने आएगा यहाँ पर यूरिडीन के सामने, जैसा कि आपको बताए कि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिन आ जाते हैं, इसी तरह जैसे साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट ये किसके सामने आएगा ये गुआनोसिन के सामने आएगा, इसी तरह से आपको गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसके सामने आएगा ये आ जाएगा आपको साइटोसिन के सामने, इस तरह से बेस पेयरिंग हो जाते हैं। और फिर बेस पेयरिंग के बाद जो है इसमें क्या निकलते हैं ये एनर्जी निकलते हैं पाइरोफॉस्फेटेज ये, जैसे मान लीजिए कि ये आपको यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट इसमें पाइरोफॉस्फेटेज ये एंजाइम लगता है, और ये क्या कहते हैं ये आपको बदल जाएगा क्या कहते हैं आपको ये यूरेसिल में यूरेसिल, और ये क्या कहते हैं इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस इनर्जी, ये यहां पर जब
फॉस्फेट बन रहा था जैसे यूरिडीन मोनोफॉस्फेट यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट था, तो वहाँ एनर्जी लग रहा था, और यहाँ जब ये क्या कहते हैं फिर मोनोफॉस्फेट में ट्रांसफर होगा तो इसमें एनर्जी निकलेगा और इसका प्रयोग होगा फिर से डीएनए डुप्लेक्स के स्टेबलाइजेशन में। जो खुलता है फिर वो स्टेबलाइज हो जाता है, इसे खुलते जाता है बनते जाता है फिर ये बंद होते चला जाता है, आगे की ओर ये प्रक्रिया बढ़ती है। तो ये एनर्जी का प्रयोग किसमें होगा, डीएनए के रीस्टेबलाइजेशन ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। तो ये हो गया आपका। इसके बाद इलोंगेशन ऑफ चेन है। इलोंगेशन जिसे आपको एनसीआर की बुक में तीन ही फेज दिखाया गया है, इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, लेकिन अध्ययन की सुविधा में हम सात भाग में बांटे हैं और भी देखते हैं इस बुक में है सर। तो इसमें क्या करते हैं, इलोंगेशन में क्या हुआ कि ये पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मूव्स अलोंग द स्टैंड ऑफ डीएनए, जो टेम्पलेट स्टैंड है डीएनए का जो अलग हुआ है जिसके चूंकि ट्रांसक्रिप्शन में भाग ले रहा है उसके अलोंग बढ़ता है और एड्स न्यूक्लियोटाइड्स और एड करते जाता है न्यूक्लियोटाइड से और चेन लंबी होते जाती है। ये जैसे यहाँ पर पहले हुआ था यहाँ पर हुआ फिर यहाँ ये आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। ये हो गया आपका इलोंगेशन। इसके बाद देखते हैं सेपरेशन ऑफ आरएनए। तो जैसे ही व्हेन या कहते हैं एज वेल एज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रीचेस ऑन द टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन पर यह पहुंचता है तो क्या होता है कि इलोंगेशन ऑफ चेन या फॉर्मेशन ऑफ आरएनए चेन और सिंथेसिस ऑफ आरएनए चेन स्टॉप्स, यहाँ स्टॉप हो जाता है। क्यों, कि वहां पे स्टॉप कोडॉन होते हैं और वो क्या करते हैं एक तरह से नॉनसेंस कोडॉन कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा सकते हैं कि कौन तरह किस तरह के ये आएंगे, यहाँ न्यूक्लियोटाइड कौन सा आएगा, तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाते हैं और इसके लिए रो फैक्टर की जरूरत होता है। टर्मिनेटर रीजन कंटेंस रो फैक्टर विच हेल्प्स इन कह सकते हैं ये सेपरेशन ऑफ आरएनए। तो आरएनए का यहाँ पर जैसे क्या हुआ, जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहुंच गया किस पे टर्मिनेटर रीजन पे तो वहां पर जाके ये स्टॉप हो गया क्योंकि, और फिर ये का इसके बाद जो देखते हैं सेपरेशन ऑफ आरएनए और यहाँ पर ये आरएनए चेन जो नया बना है वो अलग होंगे। इसके लिए जरूरत पड़ता है फॉर द सेपरेशन ऑफ आरएनए रो फैक्टर इज रिक्वायर्ड, यहाँ रो फैक्टर की जरूरत पड़ता है, ये अलग हो गया। अब क्या है स्टेबलाइजेशन ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। अब जो अनवाइंडेड डीएनए डुप्लेक्स है ये क्या होता है, ये रीस्टेबलाइजेशन इसका होता है, फिर से ये जुड़ते हैं और जैसा कि बताया कि ये जो एनर्जी इसमें निकलता है इसमें यूटीपी जो इससे कन्वर्ट होता है फिर इसमें यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में, तो वो एनर्जी निकलता है वो यहाँ जरूरत पड़ता है। इसमें क्या हुआ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए का और रीस्टेबलाइज्ड, यानी फिर से ये जैसा था वैसा बन गया। अब इसके बाद देखते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग या प्रोसेस। तो इसमें जो बना आरएनए इसकी लंबाई जो होती है जो फंक्शनल आरएनए होता है उससे अधिक होती है, तो ये क्या रहता है पोस्ट मतलब ये आरएनए के बनने के बाद की प्रक्रिया, तो ये क्या करते हैं इसको कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इसको। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो आरएनए है इट अंडरगोज प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग में क्या होता है जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और ये फंक्शनल आरएनए बदल जाते हैं। तो ये जो बनते हैं आरएनए उसमें ये दो पार्ट जिसे इस तरह से क्या कहते हैं होते हैं, एक को कहता है एक्सोन, एक्सोन दूसरा इंट्रॉन। तो एक्सोन क्या है और इंट्रॉन के दर्शन देंगे। इंट्रॉन जो है सच पार्ट ऑफ कर सकते हैं आरएनए व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये कोई कोड नहीं करता, ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता और ये पार्ट जो है इलिमिनेट रहते हैं रिमूव हो जाते हैं। और एक्सोन जो है ये क्या है सच पार्ट ऑफ आरएनए व्हिच टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट कोड्स कह सकते हैं सम प्रोटीन्स या कोड्स फॉर सम एमिनो एसिड। ये मीन क्या है इसका मैसेंजर आरएनए का काम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना, ये
इंफॉर्मेशन देते हैं डीएनए से किस प्रकार का प्रोटीन सिंथेसिस करना है, तो उस वो कोडित रहता है कि इसमें मैसेंजर मैसेंजर आरएनए में, और फिर वो उस तरह के जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में एमिनो एसिड उसका यूनिट है, किस तरह के एमिनो एसिड को लाना है वो तैयार करता है। तो ये एक जो प्रोटीन सिंथेसिस का भाग, जिसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए एक जोन है, ये एक जोन है, ये एक जोन है, ये एक जोन, और ये क्या हुआ एग्जोन, इसी तरह सबको डार्क कर सकते हैं, और ये तो ये क्या करते हैं आप इंट्रॉन, ये हो गया इंट्रॉन, इंट्रॉन ये इलिमिनेट हो जाते हैं ये पार्ट, और ये सब फिर ये आपस में ये जुड़ जाते हैं, ये इस तरह से जुड़ जाते हैं, तो इसको स्प्लिसिंग कहते हैं, ये एक्सॉन जाना और इंट्रॉन का वो निकल जाना, इसको स्प्लिसिंग, स्प्लिसिंग। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का ये प्रोसेस है जिसमें कि आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो ये यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम दूसरे नए टॉपिक को लेके आएंगे। आप वीडियो जरूर, ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिले। थैंक यू।